यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के रोहनी में आज रैली की है। योगी ने कहा है कि जो कश्मीर में आतंकवाद का विरोध करते हैं वो लोग शाहीनबाग में बैठकर सीएए का विरोध कर रहे हैं। इसी रैली में योगी ने यूपी की कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग कांवड़ यात्रा में खलल डाल रहे थे उनके बारे में मैंने प्रशासन को कहा था कि अगर कोई बोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानेगा ही। उत्तर प्रदेश, यहां दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। पहले कांवड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, संघ नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, मैंने कहा देखो भाई भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है, अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक